सिर्फ समय की ही बात है, जब भी मेरे पास समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी एक अपने परिवार की तरह, अपने दोस्तों की तरह, अपने फैमिली मेंबर की तरह ही समझने का मैं प्रयास करता हूँ। और ख़ासकर आप सब जानते हैं कि हमारा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जो जम्मू कश्मीर का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है श्रद्धालु पर्यटक आते हैं, और मैं अपने आप को साथियों बहुत लक्की भी मानता हूँ क्योंकि मैं उस ज़िले से संबंध रखता हूँ, बिलोंग करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मुख्य कारण जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर के साथ साथ शिवकुड़ी का धार्मिक स्थान, और सबसे बड़ी बात आप तो दुनिया का सबसे जो ऊंचा रेल पुल बनने जा रहा है। हालांकि आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले की चनाब नदी जो है वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनने जा रहा है। तो आगामी दिनों में जो लोग कटरा में आएंगे, जो लोग जम्मू में आएंगे, शिवकुड़ी जाएंगे, तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज को देखने भी ज़रूर जाएंगे। और पिछले कुछ महीनों से यानी एक प्रयास था मेरा, एक पहल थी, कोशिश थी, मैं ओवरऑल जब देखता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर पर जो है युवाओं की जो है उम्मीदें टिकी हैं, टूरिज़्म ही हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और अपने अपने बलबूते पे हर वो इंसान प्रयास कर रहा है कि हम इसे अच्छे तरीके से, हम इसे अच्छे लेवल से किस तरह ले जाएं। अभी हाल फिलहाल में हमारे जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के अधिकारी जो हैं, डिपार्टमेंट जो है मुंबई, महाराष्ट्र और इस समय देश के अलग अलग राज्यों में टूरिज़्म को प्रमोशन करने के लिए जगह जगह पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। तो मैं कल तस्वीरें देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो बड़ा अच्छा लगा, दिल्ली के रेलवे स्टेशन, मुंबई के रेलवे स्टेशन, इसके अलावा अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में भी हमारे जो जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के हेड ऑफिस बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी जो है एक टूरिज़्म को बहुत बड़ी मात्रा में जो है बढ़ावा देने का प्रशासन जो है प्रयास कर रहा है। और जो भी इस व्यवसाय से, इस ट्रैवल इंडस्ट्री से, टूरिज़्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, तो वो भी अपने अपने बलबूते पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी हमारे रियासी ज़िले में जितने भी टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, हालांकि कुछ मेरा अपने चाहने वालों से भी मिलने मिलाने का जो मौका है, समय है, मिलता रहता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको अच्छे तरीके से डायरेक्शन, उनकी जो उम्मीदें हैं और उनकी जो चाहत है, उसी चाहत पर, उसी तर्ज पर हम यहां पर काम करें। तो लगभग जो है कुछ महीने बीतने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आप सबका जो प्यार है ना, एक अनवरत प्यार मिल रहा है, तो मैंने अपने कामकाज के साथ साथ फोकस किया सोशल मीडिया पर कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊं। और मेन जो मेरा फोकस था कि खासकर आने से पहले आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ का मौसम कैसा हो, जिस शहर में हम लोग जा रहे हैं उस शहर की पूरा विवरण, उस शहर की जानकारी, तो वो आप लोगों को एक ना डिजिटली तरीके से घर बैठे ही मिल जाती है अपने मोबाइल फ़ोन से। तो एक देने का मेरा प्रयास रहा है साथियों, और आप में से बहुत सारे दोस्त, चाहने वाले एक परिवार की तरह, फेसबुक तो सिर्फ एक ज़रिया है जुड़ने का, और जब यहाँ आप लोग आते हैं और मुझसे मिलते हैं, तो मैं उस खुशी का जो इजहार है इस समय बोल नहीं सकता हूँ। बस ऐसा समझिए कि जैसे कोई एक बच्चा खुश होता है अपनी माँ से मिलने के बाद, वैसे ही मेरी खुशी होती है अपने फेसबुक परिजनों से मिलने के बाद। एक जो रिश्तों की जो किताब है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ही शुरुआत थी, और काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। कुछ लोग जो है ना छोटी छोटी बातों को बड़ी नाराज़गी बना लेते हैं, आज इसलिए मेरा मकसद था कि आप लोगों से थोड़ी बात करूं मैं, और नाराज़गी भी क्या कि
मैंने समय के साथ आप लोगों की कॉल नहीं उठाई, या फिर कुछ लोग लिखते हैं कि हमने तो मैसेज किया था लेकिन सोमराज भैया आपने तो मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया, आपने तो हमें पर्सनली जानकारी नहीं दी, इंडिविजुअली जानकारी नहीं दी। अब साथियों, सबसे बड़ी जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके लिए, तो सिर्फ मैं, मेरे जितने भी सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए सिर्फ मैं ही हूँ, और मेरे लिए आप सब हो। और आप इस बात को समझना कि मैं एक एक इंसान का फ़ोन पिकअप करना या फिर एक एक इंसान को रिप्लाई देना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। अपने काम काज को भी देखना है मुझे, परंतु इस बात की आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स आते हैं या मैसेज आते हैं, किसी का भी मैसेज या कमेंट्स नज़रअंदाज नहीं करता हूँ। सब लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करता हूँ, और उसी प्रयास को मैं आगे भी ले जाऊंगा साथियों। और आज की इस वीडियो के आखिर में ये ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि नाराज़गी मेरे से क्या, किसी से भी मत रखिए, अपने आसपास के लोगों से भी मत रखिए, अपने रिश्तेदारों से भी मत रखिए, और अगर कोई आपसे नाराज़ भी है तो आप उसे मना लीजिए, आप उसे, आप खुद पहल कीजिए रिश्ता जोड़ने की। और मैं सच कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को जीने के लिए सिर्फ रिश्तों की ज़रूरत है, धन दौलत पैसों की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान के पास रिश्ते होते हैं वो सच में बहुत अमीर इंसान कहलाता है। और आज के ज़माने में अकेलापन ही सबसे बड़ी सजा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में अकेलापन ही सबसे बड़ी सजा है। इस अकेलेपन के दंश को दूर करने के लिए रिश्तों की किताब को जोड़ना सीखिए, रिश्तों की किताब को पढ़ना सीखिए। और आपके सामने 2 साल पहले मैंने रिश्तों की किताब को जोड़ना सीखा था, रिश्तों की किताब को पढ़ना सीखा था। मैं सच कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 सालों में 2 लाख लोगों का परिवार खड़ा हो चुका है सिर्फ डेली यात्रा व्लॉग के फेसबुक पेज पर। धन्यवाद। जय माता दी।